उधर उत्तराखंड में जहां घोटालों की परत धीरे धीरे खुलती जा रही है, इस बीच सरकार को आम आदमी पार्टी लगातार घेरती नजर आ रही है। और इसी बीच हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने आम आदमी पार्टी नेता ज्योत सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। उत्तराखंड में जहां घोटाले घोटाले का खेल खेला जा रहा है, वही आम आदमी पार्टी का इस घोटाले के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया है, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ ज्योत सिंह बिष्ट जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रदेश संगठन समन्वय के पद पर यहां पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से प्रदेश में इस वक्त घोटाले घोटाले का खेल चल रहा है और जो युवा है बेरोजगार है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, आज भाजपा कार्यालय का भी उन्होंने घेराव किया है, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बना करके लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही ईमानदारी से लोगों की और उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान हो। लेकिन राज्य बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में जिस तरह से राज्य के बेरोजगार नौजवानों से लेकर के हमारी मातृशक्ति के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया, वो इस समय जो खबरें आ रही हैं घोटाले की नौकरियों में वो शर्मसार करने वाली हैं। जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घोटाले की खबर आ रही है, उसमें एक नहीं बल्कि बड़े मठाधीशों तक के नाम की तरफ जाँच इशारा कर रही है, तो वो चिंताजनक है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंताजनक जो राज्य के संवैधानिक पद है, राज्य की दिशा और दशा तय करने का काम विधानसभा करती है, उसके अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ करके 2000 में प्रकाश पंत जी से शुरू होकर के और आज तक जो विधानसभा की जरूरत थी वहाँ पर कार्यालय स्टाफ की, उससे दुगुनी तिगुनी भर्ती की गई। उसमें अपने परिवार के सदस्यों को, अपने नाते रिश्तेदारों से लेकर के उनके जो इर्द गिर्द की कोटी थी, PRO OST उनसे लेकर उनके रिश्तेदारों से लेकर के आज एक लिस्ट सोशल मीडिया पर जो तैर रही है वो ये बताती है कि जिनको सत्ता की कुर्सी मिली, जिन पर लोगों ने जनता ने भरोसा किया, उन्होंने जनता की भावनाओं को कुचलने का काम किया, उन्होंने उनके अधिकारों पर चोट करने का काम किया, खासकर जो योग्य नौजवान थे, जो बेरोजगार नौजवान थे, जिनको हक मिलना चाहिए था उन पर चोट करके और अपने अपनों को जो है अपने चहेतों को उन पर स्थान दिया, और उसमें भारी रिश्वतखोरी का भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। हमने कल महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर के विधानसभा की नियुक्तियों की CBI जांच की मांग की है, और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल जी हमारी बात का संज्ञान लेकर के उन बेरोजगार नौजवानों को न्याय देने का काम करेंगे। सर, सवाल तो यहाँ उठता है कि एक तरफ जीरो टॉलरेंस की सरकार का दावा जो है मुखिया कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, आज उनका नाम भी सामने है। देखिए, प्रेमचंद जी का नाम अकेले थोड़ी सामने है, प्रकाश पंत जी से जो विधानसभा शुरू हुई, उसके बाद दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, तीसरे विधानसभा अध्यक्ष, चौथे से लेकर के पांचवे तक ये आंच मुझे आती दिखाई दे रही है। 149 लोग ऐसे हैं जो परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, जो उनके कोटरी के लोग हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे सुनकर के आश्चर्य होता है कि जिसकी जरूरत नहीं थी कि विधानसभा शोध विभाग एक खोला गया, उसमें भर्ती की गई। मैं सुन रहा हूँ कि विधानसभा रक्षक दल में भी आजकल ही कुछ बड़ी भर्तियाँ हुई हैं, तो ये बताती हैं कि सत्ता की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं इन 20-22 सालों में, उन्होंने यहाँ पर घपले घोटाले करने के अलावा कुछ नहीं किया। जो योग्य लोग थे, जो जानकार लोग थे, उनका हक पर चोट करके और उनके हक को मार करके अपनों को उसका लाभ दिया। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ, हमने कल महामहिम को ज्ञापन दिया, हम विधानसभा अध्यक्ष को भी ज्ञापन देंगे, हम मुख्यमंत्री को भी देंगे, और हम सड़कों पर उतरेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे। तो ये थे उत्तराखंड आम आदमी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि उनका क्या स्टैंड रहने वाला है। बहरहाल उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और लगातार रोज सुर्खियां बन रही हैं। मीडिया की सुर्खियों ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी में खुद जो है प्रेमचंद अग्रवाल, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे भी सवाल किए, और इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक से उनकी जो है प्रतिक्रिया जानेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र बुडोला के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून।